नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं रश गगौरी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में शनिवार की देर रात शाम आपको बता दें देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। जिले में नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बनाई जा रही अंडरग्राउंड टनल धस गई, जिसकी वजह से काम कर रहे कई मजदूर अंदर फंस गए। राज्य आपदा बल के जवान मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से बात करते हुए हादसे के संबंध में जानकारी ली है। वहीं स्थानीय प्रशासन से ने बताया है कि निर्माणाधीन सुरंग में धंसने की वजह से 9 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 6 मजदूरों को बचा लिया गया है। 3 मजदूरों को रेस्क्यू उनका किए जाने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी है। मनोज जुड़ गया ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या अपडेट है यहाँ पर? क्या कि रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ की लगी हुई है। 2 लोगों को और सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोग फंसे हुए हैं। टीम में कितने लोग शामिल हैं जी? टीम में कितने लोग शामिल हैं? टीम में मैडम 12 लोग हैं। और मौके पर कौन कौन अधिकारी हैं? मौके पर कलेक्टर साहब हैं और आईजी साहब हैं। कलेक्टर साहब से लगातार सीएम साहब की बात हो रही है। सीएम अपडेट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं कलेक्टर साहब से। माननीय विधायक जी भी हैं, क्षेत्र विधायक प्रणय पांडे, उनसे भी मुख्यमंत्री जी अपडेट ले रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एम्बुलेंस जी, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खड़े हैं ले जाने के लिए। 2 लोग केवल बचे हैं, उनको भी निकालने का काम तेजी से चल रहा है। जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? ज्यादा घायल नहीं है मैडम, ज्यादा घायल नहीं है उनके, केवल पैरों में चोट है। बाकी ठंड के कारण थोड़ी वो अकड़ गए हैं, बाकी बोल चाल रहे हैं, सब कुछ है। उनको बोल चाल का तरीका अच्छा है, सब बात कर रहे हैं। वो बताए हुए हैं कि जो लोग अंदर है वो भी जीवित है अभी जी। ठीक है, कितना वक्त और लगेगा रेस्क्यू पूरा होने में? कम से कम 4 घंटे और लगेगा। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए।